बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लाइबा और आप देख रहे हैं लिबू किचन यूट्यूब। आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सी कैरी की शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसको कैरी का शरबत भी कहते हैं और आम पन्ना भी दूसरी लैंग्वेज में कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने जो इंग्रेडिएंट्स में लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो के करीब जो है हमारे पास कच्ची कैरिया है, और साथ में हमने लिया है 2 गिलास पानी, और साथ में हमारे पास है यहाँ पर आधा गति पुदीना के हैं जिसको मैंने सिर से पत्तियाँ निकाल के रखी हैं, और 1 टेबल स्पून शुगर है, 1 टीस्पून हमारे पास काला नमक है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, और साथ में हमने 2 अदद लेमन जो है कटिंग करके रख दिया है, तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें कैरियों को पकाना है थोड़ी देर के लिए। तो अब हम एक सॉस पैन लेते हैं और इस सॉस पैन में हम कैरियों को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैरियों को शामिल करना है इसके अंदर। तकरीबन मैं इसमें से 2 पीस बचा लेती हूँ जो कि गार्निशिंग में काम आएंगे मुझे। और यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास पानी और इसको पकने के लिए हम गैस पर रख देते हैं। सॉस पैन में डाल के जो है ना गैस पे रख दिया है, तो गैस का फ्लेम मैंने हाई टू मीडियम किया हुआ है। तो जैसे इसमें उबाल आ जाती है, तो देखिएगा इसमें उबाल आने स्टार्ट हो गई है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ग्रीन कलर में ऐड करेंगे। ये मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें साथ ही 1 टेबल स्पून शुगर भी ऐड करेंगे और इसको करते हैं चसा मिक्स। तो इसी तरह हम इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे 5 मिनट हो जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो ये देखिएगा व्यूअर्स, इसमें जो है कच्चे आम जो थे हमारे, ये बहुत अच्छे से इसमें गल गए हैं। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ। जी व्यूअर्स, ये देखिएगा ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको मिक्सी जार में निकाल कर इसको ग्राइंड करते हैं। के लिए इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, ये बहुत अच्छा से इसका मिक्सचर रेडी हो जाएगा। और साथ में इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं मिंट, साथ में जाएंगे काला नमक, सिंपल सॉल्ट, चाट मसाला, लेमन। बनने वाली है हमारी मजेदार सी खट्टी मीठी सी ड्रिंक, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरह लगा आप लोगों ने जब ट्राई किया, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये देखिएगा हमारी मज़ेदार सी जो है आम पन्ना की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है, कितना खूबसूरत ग्रीन कलर आया है। तो हम इसको एक बंद कंटेनर में निकाल लेते हैं। तो आप इसको तकरीबन 1 मंथ के लिए भी आप इसको स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में, और आपके मेहमान वगैरह जो कोई भी आए आप उसके साथ इसको बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हम 2 गिलास ड्रिंक रेडी कर गए हैं, इसी में से ही लेके हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हमने इसमें 3 टेबल स्पून ऐड कर दिया है, और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे तो ऐसे आइस क्यूब्स, लेमन, इसे तो ऐसे काट के डाल देंगे, मिंट के अंदर शामिल करेंगे, इसमें ऐड करते हैं ठंडा ठंडा पानी, ये देखिएगा कितना जबरदस्त नेचुरल कलर आया है इसके अंदर। आप लोग भी अपने समर को इस रेसिपी के साथ एंजॉय कीजिएगा, अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ, और लाजम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई ड्रिंक कैसे लगी है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।